Hello, my dear student. Welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is nutrition in amoeba. Amoeba basically एक single celled organism है या यूँ कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, उसमें हम न्यूट्रिशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. तो स्वाभाविक है हमें सबसे लोवेस्ट ऑर्गेनिज्म से स्टार्टिंग करनी होगी. तो सबसे जो छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसका सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर जो है, या यूँ कहें कि ऑल ओवर बॉडी जो है वो ओनली सिंगल सेल से बनी है, इसे क्या कहा जाता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म. या यूँ कह लें इसे यूनिसेलुलर भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे अंदर, अगर हम क्या हैं, हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टीसेलुलर इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्स हैं. सेल्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन बने हुए हैं. ऑर्गन से पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं और हर एक ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है. लेकिन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जितनी भी हम लाइफ प्रोसेसेस देख रहे हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है ना, ये सारी काम, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस ओनली परफॉर्म बाय द सिंगल सेल. इस एक ही सेल द्वारा सारे काम जो है वो किए जाते हैं. उसी क्रम में सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन. तो अमीबा या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, इसका एग्जांपल इसलिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही एग्जांपल है. इसी से आप आगे के दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे पैरामिशियम है, यूग्लिना है, दे आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो उनमें भी इसी तरह से न्यूट्रिशन होता है. अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होता. अमीबा का आकार जो है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस या सर्कमटेंसेस क्या होता है, चेंज होता रहता है. तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है अमीबा. इसमें ये इसकी सेल हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म. अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करेगा या ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? तो बेसिकली इसमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट होता है. वो कैसे होगा, देखिए, मान लीजिए कि अमीबा जिस मीडियम में है या जहाँ पर है, वहाँ पर इस सेल के टच में, इस सेल के संपर्क में, मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक फूड प्रोडक्ट जो है वो इस सेल के संपर्क में आया, ठीक है. तो जब इस सेल के संपर्क में फूड प्रोडक्ट आता है तो ये जो सेल है ये क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देती है. कैसे? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्शन है ये धीरे धीरे बढ़ करके जो उस फूड को, उस फूड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने अंदर, सेल के अंदर लेने की कोशिश करते हैं. फिर ये प्रोजेक्शन एट द लास्ट आकर के क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं. और इस तरह से ये जो खाना है जो उन्हें बाहर, जो सेल के बाहर था, वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल के रूप में, ये क्या बना, ये क्या क्रिएट हुआ, इसे कहते हैं फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के रूप में ये क्या करते हैं, खाने को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ये फूड है. और ये प्रोजेक्शन जो बने हैं इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया. इस प्रोजेक्शंस को आपको, इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद रखना है. इट इज़ ऑल्सो लोकोमोटरी ऑर्गन. क्या होता है कि अमीबा जो है वो इसी से लोकोमोशन करता है, मतलब आगे जो है वो इसी से बढ़ेगा. ये क्या करता है, अपने शरीर में से इस तरह से प्रोजेक्शन बाहर करता है, धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसे भी ट्रांसफ़र करता है, और वो यहाँ से अमीबा जो है वो यहाँ आ जाता है. इसी तरह से ये आगे लोकोमोशन करता है, ठीक. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं. जब ये फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेते हैं, ये अंदर सेल में ले लेते हैं, तब ये सेल जो है वो फिर इसका क्या कर देती है, डाइजेशन. और जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो स्वाभाविक है जो भी फूड लिया गया है उसमें कुछ वेस्ट एक्सक्रीट मटेरियल भी होगा. तो फिर क्या होगा, ये सेल इसी तरह से वैक्यूल फॉर्म करते हुए इस एक्सक्रीट मटेरियल को, अब ये क्या है, ये एक्सक्रीट मटेरियल है,
ठीक है, इस एक्सक्रीट मटेरियल को सेल के बाहर भी कर देगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर सारी प्रोसेसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ इस सिंगल सेल के द्वारा ही किया जा रहा है। लोकोमोशन है ना, रेस्पिरेशन भी इसी के द्वारा किया जाता है। जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा से ये गैसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, और वो ऑर्गन जिसके द्वारा कंप्लीट होती है उसका नाम है स्यूडो पोडिया। तो इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी सेल से ही सारे फंक्शंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।